प्रिय छात्रों, बही खाता लेखा कर्म कक्षा 12वीं के अंतर्गत हम रोकड़ प्रवाह विवरण के बारे में जान रहे थे। रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है? पूर्व में जैसा बताया था कि रोकड़ प्रवाह जो है, अर्थात एक कंपनी में, एक संस्था में, एक उपक्रम में जो रोकड़ के आने का क्रम होता है और किन मदों में वो रोकड़ को खर्च किया जाता है। तो यहाँ जो पूर्व बताया था कि रोकड़ प्रवाह का जो आशय है वो गैर रोकड़ मदों द्वारा रोकड़ के आवक एवं जावक से है, मतलब रोकड़ के आने और रोकड़ के जाने से। एक और गैर रोकड़ मद की रोकड़ के रूप में प्राप्ति को रोकड़ अंतर प्रवाह कहा जाता है, अर्थात रोकड़ जब आती है तो वो कहलाता है रोकड़ अंतर प्रवाह। जबकि ऐसी मद के लिए रोकड़ के भुगतान को बहिर्वाह रोकड़ प्रवाह के रूप में जाना जाता है। तो जो रोकड़ प्राप्ति है वो रोकड़ अंतर्वाह कहलाता है और जो रोकड़ का जो हम भुगतान करते हैं रोकड़ के माध्यम से वो बहिर्वाह रोकड़ कहलाता है। तो ये रोकड़ का प्रवाह होता है। जैसे उदाहरण के लिए दिया हुआ कि जैसे नगद भुगतान द्वारा मशीनरी की खरीद रोकड़ बहिर्वाह है, मतलब यदि हम मशीन खरीद रहे हैं और रोकड़ से उसका भुगतान कर रहे हैं तो वो क्या है, बहिर्वाह है। जबकि एक मशीन की नगद बिक्री के लिए प्राप्त रोकड़ को जो है रोकड़ अंतर्वाह के रूप में जाना जाता है। और यदि हम कोई अपने व्यापार व्यवसाय की कोई संपत्ति को बेच रहे हैं तो जो उससे अर्निंग हमें हो रही वो रोकड़ जो प्राप्त हो रही है वो रोकड़ अंतर्वाह के रूप में। इसके अतिरिक्त तो जो है रोकड़ प्रवाह के अन्य उदाहरणों में जो है व्यापारिक प्राप्य, जो व्यापार से हमें प्राप्ति हो रही रोकड़ प्राप्ति वो आ जाएगी। व्यापारिक देयताएं जो हमें भुगतान करना है वो, और कर्मचारियों को भुगतान, लाभांश की प्राप्ति, ब्याज का भुगतान आदि सम्मिलित है। तो यहाँ इस प्रकार से हम देखते हैं कि रोकड़ प्रवाह में एक उपक्रम में रोकड़ का आना और रोकड़ का जाना किस प्रकार का है वो रोकड़ प्रवाह कहलाता है। अब यहाँ जो रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ प्राप्ति के जो स्रोत है, अर्थात रोकड़ अंतर्वाह, रोकड़ कहाँ कहाँ से आती है, तो जैसे सबसे पहले जो है व्यवसाय के संचालन से प्राप्त रोकड़, जो व्यवसाय किया जा रहा है, जो उपक्रम के द्वारा जिस वस्तु को बेचा जाता है तो उसकी बिक्री से जो है, उत्पाद माल या सेवा की बिक्री से जो प्राप्त रोकड़ है वो आपकी अंतर्वाह के अंतर्गत सम्मिलित है। वहीं दूसरे बिंदु जो है रॉयल्टी, विभिन्न प्रकार की रॉयल्टी यदि उसको प्राप्त होती है, फीस के रूप में रोकड़ प्राप्त हो रही है, कमीशन और अन्य रोकड़ प्राप्तियां, ये भी रोकड़ अंतर्वाह है। फिर अंशों व ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्राप्त रोकड़, जो अंशपत्र और ऋण पत्र कंपनी के द्वारा जारी किए गए उनसे जो रोकड़ प्राप्त हुई वो अंतर्वाह के अंतर्गत। फिर स्थायी परिसंपत्तियों के विक्रय पर प्राप्त रोकड़, व्यवसाय के अंतर्गत जो स्थायी संपत्तियों को बेचा गया उनसे जो प्राप्त रोकड़ है, और विनियोग के विक्रय पर रोकड़ व लाभांश, ब्याज की प्राप्ति आदि। किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट जो है कंपनी के, जो उनको बेचा गया इन्वेस्टमेंट को, विनियोग को, उनके विक्रय से जो रोकड़ रकम लाभांश के रूप में जो प्राप्त हुआ, लाभांश प्राप्त हुआ, जो ब्याज प्राप्त हुआ, वो सब जो है रोकड़ अंतर्वाह के अंतर्गत आता है। अर्थात यहाँ हम देखते हैं कि व्यवसाय के संचालन से प्राप्त रोकड़, रॉयल्टी, फीस, कमीशन, अंश और ऋण पत्र के निर्गमन पर प्राप्त रोकड़, स्थायी परिसंपत्तियों के विक्रय पर प्राप्त रोकड़ और विनियोग के विक्रय पर रोकड़ व लाभांश, ब्याज आदि, ये रोकड़ के अंतर्वाह के स्रोत हैं, अर्थात रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ प्राप्ति के स्रोत हैं। इन माध्यमों से रोकड़ व्यवसाय में आती है। अब दूसरा जो है बहिर्वाह, अर्थात रोकड़ का प्रयोग, रोकड़ प्रवाह विवरण में जो है रोकड़ का प्रयोग, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे माल खरीदा हमने, कच्चा माल यदि खरीदा, और भी व्यवसाय से जुड़े हुए वस्तुओं को खरीदा, तो माल और सेवाओं का जो हमने नगद भुगतान किया तो ये भुगतान में बहिर्वाह यहाँ रोकड़ जाएगी। फिर कर्मचारियों तथा उनके माध्यम से अन्य व्यक्तियों को नगदी भुगतान किया, कर्मचारियों को भुगतान किया या उनके माध्यम से व्यवसाय के अन्य लेनदारों को भुगतान किया, तो यहाँ जो भुगतान किया वो यहाँ से रकम क्या हो गई, चली गई, कम हो गई। फिर बीमा उपक्रम को प्रीमियम और दावों, जो भी बीमा प्रीमियम की वार्षिकी और अन्य पॉलिसी लाभों के रोकड़ भुगतान, जो भी भुगतान यहाँ बीमा से जुड़े हुए संबंधों में हमने किया। फिर इनकम टैक्स आयकर हेतु नगद भुगतान, जबकि वित्तीय एवं निवेश क्रियाकलापों में इन्हें
ना रखा जाए। तो आयकर के नगद भुगतान के लिए, फिर लाभांश के भुगतान, ये लाभांश के भुगतान जो लाभांश हमने दिया, और स्थायी संपत्तियों या विनियोग को यदि हमने खरीदा। तो यहाँ ये जो स्रोत है, ये रोकड़ अंतर्वाह के स्रोत और रोकड़ बहिर्वाह के स्रोत है, अर्थात रोकड़ जो है प्राप्त कहाँ कहाँ से होती है और रोकड़ का प्रयोग किन किन मदों में किस प्रकार से होता है, ये अंतर्वाह और बहिर्वाह के अंतर्गत। फिर अब यहां पर जो रोकड़ प्रवाह विवरण जो है, ये क्रियाकलाप जो होते हैं इसके, इसको तीन रूपों में वर्गीकृत किया गया। नंबर एक, संचालन या प्रचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। दूसरा, विनियोग क्रियाओं से, इन्वेस्टमेंट से रोकड़ प्रवाह। तीसरा जो है, वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। अर्थात रोकड़ प्रवाह विवरण जो तैयार किया जाता है वो तीन प्रकार से तैयार किया जाता है। संचालन और प्रचालन क्रियाओं से संबंधित रोकड़ प्रवाह के अंतर्गत, फिर विनियोग जिसमें दीर्घकालीन यहाँ पर जो है जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया है उसके माध्यम से जो रोकड़ प्रवाह, फिर वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। तो इनको हम क्रमशः देखेंगे। सबसे पहले जो है संचालन या प्रचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। तो संचालन क्रियाओं से ऐसा है, उन प्रमुख व्यवसायिक क्रियाओं से है जिसके लिए व्यवसाय की स्थापना की गई है। अर्थात व्यवसायिक क्रियाओं के अंतर्गत जिन व्यवसायिक क्रियाओं को करने के लिए व्यवसाय की स्थापना की गई है। मान लीजिए रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है उसका, तो उसके लिए जो भी व्यय यहाँ पर किया गया, तो ये जो रेडीमेड गारमेंट्स के संबंध में जो भी व्यवसाय की स्थापना से संबंधित जो भी क्रियाकलाप किए जा रहे हैं वो संचालन से संबंधित आएंगे। इन प्रचालन क्रियाओं से अर्जित आय संचालन से आय कहलाती है। अब इन संचालन संबंधी क्रियाओं से जो भी आय उसको प्राप्त हो रही वो कहलाएगी संचालन से आय। जैसे कि एक कंपनी ने ड्रेस बनाने हेतु कच्चे माल को खरीदना, उसको उसका भुगतान करना, निर्माण खर्चों को पूरा करना और माल को बेचना, तो यहाँ पर जो है बिक्री जो है वो संचालन से यहाँ पर जो है प्राप्ति हो गई, रोकड़ की प्राप्ति। और भुगतान में यहाँ पर से जो बहिर्वाह होगी जो हो गया कि कच्चे माल को खरीदना और निर्माण खर्चों को पूरा करना। तो यहाँ जो है संचालन में रोकड़ की राशि कंपनी के आंतरिक ऋण शोधन क्षमता का संकेत देती है। अर्थात यहाँ पर जो है अंतर्बहाव जो है कंपनी का, रोकड़ का, यदि बेहतर है और बहिर्वाह कम है, तो इस स्थिति में क्या होता है, जो आंतरिक ऋण शोधन क्षमता जो है, अर्थात ऋणों को भुगतान करने की जो कैपेसिटी, जो क्षमता है, वो कंपनी की बेहतर है। तो और हम देखते हैं यहाँ पर संचालन क्रिया प्रचालन क्रिया से आशय के अंतर्गत, इसी में संचालन या प्रचालन क्रियाओं से आशय उन क्रियाओं से है जो व्यवसाय में आय अर्जित करने के लिए की जाती हैं। अर्थात ऐसी क्रियाएं जो व्यवसाय से आय प्राप्त करने के लिए की जाती हैं। अब इन क्रियाओं में जो है रोकड़ प्राप्ति में निम्न मदों को शामिल किया जाता है। सबसे पहले जैसा अभी बताया, उत्पाद या माल की बिक्री से प्राप्त रोकड़। व्यवसाय क्रिया के अंतर्गत जो भी माल व्यवसाय के अंतर्गत उत्पादित माल को बेचा गया, उस बिक्री से जो रकम प्राप्त हुई वो संचालन संबंधी आय। फिर रॉयल्टी, फीस, कमीशन या सेवा प्रदान करने से प्राप्त रोकड़, ये संचालन संबंधी आय हो गई यहाँ पर। अब भुगतान की बात करें हम बहिर्वाह, तो माल तथा सेवा के लिए पूर्तिकर्ताओं का भुगतान, कच्चा माल वगैरह खरीदा हमने उसके लिए जो है हम पूर्तिकर्ताओं को भुगतान कर रहे हैं। फिर कर्मचारियों को उनके हित व्ययों का भुगतान, कर्मचारियों को जो भुगतान किया गया वो। फिर बीमा कंपनी के प्रीमियम वगैरह, दावे, वार्षिकी व अन्य पॉलिसी के लाभ से रोकड़ प्राप्ति व रोकड़ी भुगतान इत्यादि। और फिर यदि कोई भावी अनुबंध किए गए और वायदे के सौदे, यहाँ पर जो भुगतान किया गया तो उसका, अर्थात यहाँ पर जो रोकड़ है इन माध्यमों से जा रही। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो संचालन से प्राप्तियाँ हैं और ये संचालन में किए गए व्यय, तो ये संचालन या प्रचालन क्रिया से आशय। दूसरा जो हमने बताया प्रकार, विनियोग क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। विनियोग से तात्पर्य यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो दीर्घकालीन समय के लिए विनियोग किया जा रहा है। तो विनियोग संबंधी क्रियाकलाप के अंतर्गत जो है दीर्घकालीन परिसंपत्तियों की प्राप्ति,
एवं निपटान तथा वे अन्य निवेश जो रोकर तुल्यांकों में शामिल ना हो। तो यहां पर जो इन्वेस्टमेंट है जो लंबे समय तक के लिए दीर्घकालीन परिसंपत्तियों की प्राप्ति और उनके भुगतान के लिए, तो यहां पर जो है ऐसे जो रोकर तुल्यांक में शामिल ना हो, अर्थात जो रोकर के तुल्य ना हो, जिनको हम शीघ्रता से रोकड़ में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो यहाँ विनियोग या निवेश क्रियाकलाप की श्रेणी में आते हैं। इसके अंतर्गत जो है जैसे मशीनरी हमने खरीदी, फर्नीचर खरीदा, भूमि, भवन आदि, ये क्या होगा, दीर्घकालीन निवेश से संबंधित लेन देन भी निवेश के क्रियाकलाप में माने जाते हैं। तो ये जो भी हमने मशीनरी खरीदी, फर्नीचर खरीदा, भूमि, भवन या ऐसे कोई लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट किए जो हमें लंबे समय तक आय की अर्निंग जिनसे हम करेंगे, और ये चूंकि ये इन्वेस्टमेंट जो किया गया है ये पुनः विक्रय के उद्देश्य से नहीं खरीदा जाता, तो इसमें जो है मदे सम्मिलित हैं जैसे स्थायी संपत्ति को क्रय करने के लिए रोकड़ भुगतान, स्थायी संपत्ति खरीदने के लिए जो हमने नगद भुगतान किया, और जो है पूंजीगत शोध एवं विकास पर भुगतान, व्यवसाय के विकास के लिए जो हमने भुगतान किया, एवं स्वयं अर्जित स्थायी संपत्तियां, इनके लिए जो हमने यहाँ पर व्यय किया। फिर परिसंपत्तियां, संयंत्र, औजार या उपकरण, दीर्घकालीन निवेश प्रपत्रों की बिक्री, स्थायी संपत्ति के विक्रय से रोकड़ प्राप्ति। अब यहाँ पर जो भी परिसंपत्तियां या जो भी यंत्र औजार वगैरह हमने या दीर्घकालीन निवेश प्रपत्र जो हमने बेचे उससे जो है रोकड़ प्राप्ति। फिर अन्य संस्थाओं के अंश, ऋण पत्रों के क्रय पर रोकड़ भुगतान, यदि अन्य किसी संस्थाओं के अंश पत्रों को हम खरीदते हैं, ऋण पत्रों को खरीदते हैं, तो उनके क्रय खरीदने पर जो हमने कैश भुगतान किया। फिर तीसरा जो है तृतीय पक्षकार को दिया गया अग्रिम व ऋण, व्यवसाय से जुड़े हुए जो अन्य पक्षकार हैं उनको यदि हमने कोई अग्रिम दिया, एडवांस दिया, ऋण दिया, तो उसको भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो ये दूसरा प्रकार जो है ये विनियोग क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, विनियोग क्रियाओं का। फिर तीसरा जो है वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, ये जो है वित्तीय क्रियाकलापों का संबंध जो है दीर्घकालीन निधियों या एक उद्यम की पूंजी से है। तो इसमें जैसे समतांश हो गए, ऋण पत्रों के निर्गमन की प्राप्ति में रोकड़ बैंकों से ऋण उगाहना या बैंक ऋणों का भुगतान आदि सम्मिलित है। यहाँ जो है वित्तीय क्रियाओं में वे क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जिनसे व्यवसाय की पूंजी संरचना एवं ऋणों में परिवर्तन हो जाता है। अब इसमें जो है निम्न क्रियाएं सम्मिलित होती है अंतर्बाह के अंतर्गत जो रोकड़ आती है, जैसे सामान्य अधिमानी अंशों के निर्गमन से प्राप्तियां, जो भी अंश पत्र जारी किए उनके निर्गमन से जो भी राशि प्राप्त हो रही वो इसमें आएगी। फिर ऋण पत्र, ऋण वांश व अन्य अल्पकालीन या दीर्घकालीन ऋणों के द्वारा रोकड़ प्राप्ति एवं ऋणों की प्राप्तियां, तो यहाँ पर ऋण पत्रों के माध्यम से या किसी से ऋण लिए बॉन्ड्स प्राप्त हुए, यहाँ पर अन्य जो अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण है इनके द्वारा जो है रोकड़ प्राप्ति या ऋणों की प्राप्तियां हुई। बहिर्भाव जो इसके रोकड़ का जाने का क्रम है, यहाँ पर लिए गए ऋणों की वापसी, जो ऋण लिए गए हैं उनकी वापसी करना। फिर संतांशों का पुनः खरीदना, संतांशों का पुनः क्रय, पूर्वाधिकारी अंशों का शोधन आदि, जो संस्था के कंपनी के पूर्वाधिकारी अंश पत्रधारी हैं उनका भुगतान करना, उनका शोधन करना, और यहाँ पर ब्याज व लाभांश का भुगतान करना। तो तीसरा जो यहाँ पर रोकड़ प्रवाह, तीसरे बिंदु के आधार पर जो वित्तीय क्रियाकलापों से जो रोकड़ प्रवाह तैयार किया जाता है उसका आशय यहाँ पर ये है। से जुड़े हुए अभ्यास प्रश्न, नंबर एक, रोकड़ प्रवाह से क्या आशय समझाइए। फिर रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ के स्रोतों को लिखिए। तीसरा, रोकड़ प्रवाह विवरण में दर्शाई जाने वाली रोकड़ के प्रयोग को लिखिए। चौथा, संचालन क्रिया से क्या आशय समझाइए व इस क्रिया में रोकड़ अंतर्बहाव व बहिर्बहाव की मदों को समझाइए। फिर निवेश या विनियोग क्रियाकलाप से आशय व रोकड़ के अंतर्बहाव और बहिर्बहाव को मदों को बताइए। फिर वित्तीय क्रियाकलापों से प्रमुख रोकड़ अंतर्वाह एवं बहिर्भाव की व्याख्या कीजिए।